दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आ चुकी है बेल में से, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि नवरत्न कंपनी में से एक कंपनी है और बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है इस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। तरह तरह की वैकेंसीज है, मैं आपको टोटली वैकेंसीज बता देता हूँ कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। आप देखिए डिस्क्रिप्शन में जब लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। ट्रेड जिसमें ट्रेन इंजीनियर की वैकेंसी है, 12 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और एससी के लिए 1, टोटल 12 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीई बीटेक मांगा गया, 4 ईयर कोर्स, इंजीनियरिंग डिग्री एंड कंप्यूटर साइंस, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके मिनिमम, ठीक है, और मिनिमम 1 ईयर C++ जावा इन सब का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 28 साल मैक्सिमम एज है इसकी। 28 साल के तक के कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन सेम मांगी गई है और एक्सपीरियंस भी सेम ही मांगा गया है, बस थोड़ा सा डिफरेंस मांगा गया है। इसमें मिनिमम 2 ईयर मांगा गया है, C++ जावा, SW टेस्टिंग, SW डॉक्यूमेंटेशन, पाइथन एक्सेट्रा मांगा गया, ठीक है, तो 32 साल इसकी मैक्सिमम एज है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करें। फर्स्ट जो ईयर की आपकी सैलरी होगी वो होगी 30,000, सेकेंड ईयर की होगी 35,000 और थर्ड ईयर की होगी 40,000 रुपये, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं। लेकिन आप चाहे तो एक बार अपने लेवल पे इस पर रिसर्च करके, अगर आप किसी और जगह जॉब नहीं कर रहे और जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो इसमें आप इजीली वर्क कर सकते हैं। एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी सैलरी पर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि ना ही अप्लाई करें अगर आपको पहले ही इस तरह की वैकेंसी। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने में इंटरेस्टेड है तो आप इसे ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसको इजीली अप्लाई कर देना। आपकी फ़ीस जो यहाँ पे पड़ने वाली है 177 रुपये पड़ेगी ट्रेनी इंजीनियरिंग फर्स्ट के लिए, और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के लिए 472 रुपये फ़ीस पड़ेगी, ठीक है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए फ़ीस एक्सेम्प्टेड है, वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वही यही है, एड्रेस प्रूफ, एजुकेशन प्रूफ, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, लिंक पे क्लिक करिए और अप्लाई करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और वैकेंसी के साथ।